बरवाला में बीजेपी की तरफ से किसान रैली का आयोजन किया गया और इस किसान रैली में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे, लेकिन ये रैली अब सवालों के घेरे में है। दरअसल भीड़ जुटाने का सच इस रैली में सामने आया है, जहां पर बच्चों को 400 रुपए देकर बुलाया गया, जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। सवालों में बीजेपी की रैली, रैली में भीड़ का सच, रैली में आओ पैसे पाओ। ये बीजेपी के रंग में रंगे बच्चे, जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, ये किसी समारोह में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ये बच्चे बरवाला में हुई बीजेपी की कपास किसान धन्यवाद रैली में आए हैं, जिन्हें खुद को बीजेपी के रंग में रंगने के लिए पैसों का लालच यहाँ खींच लाया है। दरअसल बरवाला में बीजेपी की कपास किसान धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जहाँ सरकारी स्कूल के 10वीं के छात्र भी पहुँचे। इन बच्चों का कहना है कि उन्हें रैली में आने के लिए जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया ने बुलाया है, जिसके लिए उन्हें 400 रुपए देने का वायदा भी किया गया। आपको किसने बुलाया रैली में? सुरेंद्र पुनिया ने। कितना कितना मिलने वाला है? 400 रुपए। कितने लोग हैं आप? 25। 25 कौन से गांव से? खरक पुनिया गांव से। सभी पढ़ने वाले बच्चे हो? जिसके बाद बीजेपी की धन्यवाद रैली विपक्ष के निशाने पर आ गई है। मामले के सामने आने के बाद बरवाला से नैलो विधायक वेद नारनंद ने कहा कि बीजेपी की रैली बुरी तरह से फ्लॉप रही है। मुख्यमंत्री के सामने रैली को कामयाब दिखाने के लिए बीजेपी नेताओं ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर स्कूली बच्चों को रैली में पहुंचने के लिए 400 रुपए देने का लालच दिया। इस रैली में लोगों को इकट्ठा करने के लिए जहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, वहां स्कूली बच्चों को भी 400 रुपए में उनकी शिक्षा में व्यवधान डालकर यहां लाया गया। ये दर्शाता है कि सरकार बच्चों के शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज इनके हालात सबके सामने आ चुके हैं और जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले समय में हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता है। तो बीजेपी की रैलियों पर सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि अब सिर्फ रैलियों के ही लायक रह गए हैं मुख्यमंत्री। सीएम की रैलियों में लोगों को जबरन लाया जा रहा है, जबकि हर वर्ग खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। रैलियां रह गई अब उनके पास, अब वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती ढोड़ो के लेके जाया जाता है। ठीक है, सारे पैसे जनता जमीनी स्तर पे, आप मुझे खुद बताइए, किसान जो है आज वो त्रस्त है, महंगाई इतनी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है, किसी भी तरह से गवर्नेंस का कुछ भी काम कार्रवाई हो नहीं रही है, तो जनता अब समझ गई है। इससे पहले भी बीजेपी की रैलियों पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पैसों से लाई भीड़ से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिल पाता है। बरवाला से संजय गिरधर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।